वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे सेट्स को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन पर्पस से आपको मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, केवीएस का या ईएमआरएस का या कोई भी सेंट्रल एग्जाम का या पीजीटी का, जहाँ भी आपका सिलेबस है, या अगर आप रियल एनालिसिस को सेट से देख रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक है ये, 11th स्टैंडर्ड का है। तो यहाँ से हम लोग सेट का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है और मैंने आपको अच्छे क्वेश्चंस भी आगे कराए हैं, तो जो बेसिक है उसको आप चेकआउट करने के लिए क्या कर लीजिए, इसको खुद से बना लीजिए। बहुत ही सिंपल जो है, मैंने आपको ये वर्कशीट दिया है, इसका पीडीएफ भी आपको दिया हुआ है मैंने, तो डेफिनेटली आपसे काफ़ी इजिली ये बन जाएगा। तो आई होप कि पहले आप इसको बना लोगे, वीडियो पॉज करके फिर इसको देखोगे, ठीक है। देख लेते हैं वन बाई वन। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ए जो है एक सिंगलटन सेट है, ठीक है जी। तो बोलता है कि पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। मतलब पहले तो आपको पावर सेट ऑफ ए लेना है, फिर उसका पावर सेट लेना है और उसमें कितना एलिमेंट होगा। तो काफी सिंपल है, अगर मैं बात करूं तो पावर सेट ऑफ ए में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो एक आपका फाइव आएगा, एक आपका सिंगलटन वन आएगा, ठीक है, दो एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट आ गए, पावर सेट में आ गए दो एलिमेंट। तो अब इसका अगर मैं पावर सेट निकालूं, इसको मैं एस मान लेता हूं, ठीक है, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा, तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो चूंकि यहां पे सिर्फ दो एलिमेंट है, तो फॉर्मूला क्या होता है, टू का पावर एन होता है। तो यहां पे टू का पावर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो आपको फोर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी नंबर है। तो आपको याद रखना है कि मान लो कि कोई भी मेरे पास में सेट है और उसमें अगर एन एलिमेंट है, कितना एलिमेंट, एन एलिमेंट, ठीक है। तो सिंपली उसका जो भी पावर सेट आएगा उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो उसमें दो का पावर एन एलिमेंट होता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है जी। तो हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग देख लिए कि पावर सेट ऑफ ए में दो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। अब इस पावर सेट का हमको फिर से पावर सेट बनाना था। तो अगर इसको मैं सपोज करूं कोई एस है, तो इसमें दो एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो दो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मूला से, तो ये फोर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल काम करना है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर टू, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एन एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट यानी एस अगर आपका एम्प्टी सेट है, तो इसमें कितना जो है सबसेट होगा। तो देखो हमको पता है कि एम्प्टी किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो इसका भी एक सबसेट है, ठीक है। तो डेफिनेटली एम्प्टी सेट में भी एक सबसेट तो होता है जो कि वो खुद है, ठीक है। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर, हो गया एक सबसेट होगा। नंबर सी है, लेट सी, एक सेट है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम ग्रेटर देन टू, ठीक है। सी क्या है, सी आपका इवन प्राइम है। प्राइम क्या होता है, तो प्राइम होता है टू, थ्री, फाइव, सेवन, एलेवन, थर्टीन, ये सब प्राइम है, ठीक है। अब आपको बोलता है कि आपको लेना है इवन प्राइम ग्रेटर देन टू। तो टू से अगर मैं बड़ा देखूं, ठीक है, टू को हटा दीजिए, तो टू से बड़ा जितना भी है वो तो इवन होता नहीं है, सारा तो ऑड प्राइम होता है, सिर्फ टू जो है वो इवन प्राइम है, ठीक है। तो वो तो हट गया, तो कुछ बचा नहीं। तो अगर हमको सिर्फ इवन प्राइम लिखना हो दो से बड़ा, तो ऐसा हमको कोई सेट नहीं मिलेगा, वो सिंपली एक एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी सेट आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, बोलता है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो देखिए ये तो मैंने आपको भी बताया, आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है, तो वही पावर सेट का कार्डिनलिटी होता है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि पावर सेट में क्या है, सारे ही सबसेट आते हैं, तो ये होता है आपका सिंपली क्या, टू का पावर एन। तो यहाँ पे टू का पावर थ्री होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट है, तो टू का पावर थ्री, सो एट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है फाइव नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एज ए इंटरवल। देखिए आपको ये दिया हुआ है थ्री एक्स लेस देन इक्वल टू एट, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये ओपन इंटरवल है, ठीक है जी, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये क्या है, इक्वालिटी है, तो ये क्लोज इंटरवल है, यानी माइनस थ्री पे ओपन और एट पे क्लोज, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में आपको बोलता है ए जो है ऐसा सेट है रियल नंबर का जो फोर से ग्रेटर वैल्यू को काउंटेन करता है, रियल का सेट है, और बी ऐसा सेट है रियल का जो फाइव से स्मॉलर है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो बहुत आसान है, देख लीजिए आप इसको यहाँ पे, ठीक है। ए जो है फोर से ग्रेटर है, अगर मैं फोर की बात करूं और एक फाइव है, ठीक है, तो फोर और फाइव की बात कर लेते हैं, फोर हो गया और फाइव हो गया, तो ए के पास में जो एलिमेंट है उसमें क्या है, उसमें फोर भी है और फोर से सारे ग्रेटर वाले वैल्यू हैं, ठीक है, ये हो गया जी। अच्छा अब अगर मैं आ जाऊँ फाइव पे, तो बी के पास में जो है फाइव से स्मॉलर वैल्यू है, तो फाइव से स्मॉलर, और फाइव पे देखो इक्वालिटी नहीं है ना, तो फाइव को छोड़ करके, फाइव को छोड़ करके और फाइव से सारे छोटे वैल्यू हैं, सारे छोटे वैल्यू, तो फाइव से सारे छोटे छोटे वैल्यू क्या होंगे, इधर हो जाएंगे, ठीक है।
अब मैं अगर बोलूँ कि दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो डेफिनेटली जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला बीच वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा कॉमन, जिसमें फोर भी आएगा। ओके, तो फोर से लेकर के फाइव तक ये कॉमन पार्ट आएगा, और आपको पूछ भी वही रहा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, जो कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट में एक फोर आ जाएगा, ठीक है, और फाइव पे आपका ओपन होगा, तो फोर से फाइव तक ही आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। बिल्कुल आसान इस तरीके से करना, ठीक है, लॉलीपॉप तरह का क्वेश्चन है, बस जस्ट हम लोग रिविजन पर्पज से इसको कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लो ये क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट 20 है, ठीक है, यूनियन में 42 है, इंटरसेक्शन में 4 है, बोलता है बी में कितना होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और काम हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है, एन ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है, यूनियन दे रखा है 42 है, ओके, एन ए दे रखा है 20 है, आपको एन बी फाइंड आउट करना है, माइनस इंटरसेक्शन आपको दे रखा है 4 है, ठीक है, तो सोल्व कर लो यहां से, यहां से एन बी क्या आ जाएगा, तो इधर है 42 और इधर से आपका 24 माइनस 20 माइनस 4 16, तो 16 माइनस कर दीजिए, ठीक है, क्या बच रहा है हम लोगों का, 26 बचेगा, सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, आपने इसी तरीके से किया होगा, ठीक है, देख लेते हैं फिर क्या है। एट नंबर देखो, एट नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बिल्कुल खुद से सोचो और बना लो, तो आपका बन गया होगा, चलिए देख लेते हैं क्या है। यस, एट नंबर में देखिए आपको बोलता है ना कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है पावर सेट में, ठीक है, पावर सेट से क्वेश्चन देखो आता है, सिंपल चीज है लेकिन आता रहता है। एस आपको जो दिया हुआ है, एस को अच्छे से देखिए, एस में आपको दिया हुआ है, एक तो इसमें सेट है, ठीक है, ये फाइव, एक वन है और एक अनदर सेट है 2 3, तो सेट के अंदर सेट्स हैं, उसे हमको कोई मतलब नहीं है, सेट के अंदर जो भी होता है वो उसका एलिमेंट होता है, अब वो एलिमेंट एलिमेंट ही हो, ठीक है, या सेट के फॉर्म में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। इसमें जो टोटल एलिमेंट है वो कितना है, तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये और ये आपका 3 एलिमेंट है, यानी मैं एस की बात करूं कि इसमें कितना एलिमेंट है, ये तो 3 एलिमेंट है, 2 यहाँ पे सेट है और, ठीक है, सेट के फॉर्म में दिया हुआ है और एक आपका जो है 1 है। तो अब ये है कि इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसके पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो पावर सेट में कितना एलिमेंट होता है, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, 2 का पावर 3 हो जाएगा, तो 8 आपका अगेन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, बोलता है ए और बी अगर दो सेट है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो क्या होगा, तो ए और बी इक्वल होगा। आप देख सकते हैं, अगर ए को आप फाइव लेंगे ना, ए को फाइव लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में आपका आ जाएगा ए, और ए इंटरसेक्शन बी में आपका आ जाएगा 5, जो बराबर नहीं है। अगर आप बी को फाइव लोगे तो ए यूनियन बी में, ठीक है जी, अच्छा शुरू में हम लोग ए को फाइव लिए थे ना, तो इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका बी, फाइव यूनियन बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, और इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 तो इक्वल नहीं है। अगर बी को आप फाइव रखते हो तो उसके इसमें ए यूनियन बी, ए यूनियन फाइव आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इधर ए इंटरसेक्शन फाइव क्या आ जाएगा आपका, फाइव आ जाएगा, तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे भी तो ए इक्वल टू बी ही होना चाहिए, ये सिंपल प्रॉपर्टी है, ठीक है, चलो क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं फिर क्या है। अब देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, जैसा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आना है, कुछ आपको ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, कुछ 2 मार्क्स का भी रहेगा, ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाता है। देखो पी दे रखा है आपको, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, आपको ये पूछ रहा है, ठीक है, काफी सिंपल है। हम लोग बात करें तो हमको फाइंड आउट करना है पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर फाइंड करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तो P हमको 1 2 3 4 है और Q जो है 2 4 6 8 है और R 3 4 5 6 है, तो कुछ करना नहीं होता है, पहले आप Q यूनियन R देख लो, यानी Q और R को आप ज्वाइंट कर दीजिए। अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो Q यूनियन R आ जाएगा 2 4 5 6 8, क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 और 8, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो Q यूनियन करना था, यानी इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया, मिला दिया, ठीक है, तो 2 हो गया, 3 यहां से ले लिया, 4 को एक ही बार लिखेंगे, कोई भी सेट में एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है, तो मिलाना तो है लेकिन ऐसा नहीं कि 4 को 2 बार लिखना है, तो 2 3 4 5 6 8, ये हो गया इंटरसेक्शन। P क्या है, P ही है आपका 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो कॉमन पार्ट कौन कौन है, तो 2 3 4 जो है वो दोनों में कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, फाइनली आप कॉमन निकालते हैं, तो हो गया आंसर, ठीक है।
इस तरीके से करना है। 11 नंबर को देखो, ये तो 10 नंबर हो गया आपका। 11 नंबर क्या है, बोलता है फाइंड द पावर सेट ऑफ, ठीक है। तो आपको एस मान लो दिया हुआ है, एबीसी तीन एलिमेंट दिया हुआ है, लेट दिस इज एस। इसका पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट में क्या होता है, ऑल सबसेट्स होते हैं ना, क्या हो जाते हैं, ऑल सबसेट्स ऑफ एस, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एस को पावर सेट बोलते हैं। तो कौन कौन सा पावर सेट होगा, तो सबसे पहले आप एम्प्टी से शुरू कीजिए, खाली वाला, ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट का लीजिए, ए बी सी, ठीक है। फिर दो दो एलिमेंट का ले लीजिए, ए बी बी सी सी ए, ठीक है। और एक जो खुद आपका एस है उसको ले लीजिए, ए बी सी। तो ये टोटल हो गया, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, पावर सेट हो गया। अब इसको सेट में लिखना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, सेट के फॉर्म में लिख दो, तो ये आपका पावर सेट बन गया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट एस, ठीक है। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ एलिमेंट है, और डेफिनेटली चूंकि यहाँ पे तीन एलिमेंट था तो टोटल पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा, 2 का पावर 3 8, तो बिल्कुल 8 आया है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आई होप आप लोग पहले भी कर चुके हैं और आसानी से भी कर पा रहे होंगे। तो जस्ट रिविजन है, ठीक है, एक बार कर लीजिएगा तो आपको क्या होगा, सारा रिकॉल हो जाएगा, तो आपको फिर काम करने में ईजी होगा, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करने का कोशिश करो, आई होप आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा। बस मैं इसको तुरंत देख लेता हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का यहाँ पे, ये 12 बोलता है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, किसको किसको, -70 को। तो -70 कैसे लिखेंगे, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसा लिखा जाएगा, सेट ऑफ एक्स सच दैट, अब एक्स क्या है, तो एक्स आपको रियल नंबर लेना है, इसलिए कि रियल नंबर के लिए ही इंटरवल बनता है, ठीक है। ये आपका इंटरवल के फॉर्म में है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर, या ऐसे कर सकते हैं रियल नंबर के लिए, थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, तो ये रियल नंबर को डिनोट करता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर, अच्छा, एंड क्या, या वेयर, तो -7 पे भी देखो ओपन इंटरवल है, 0 पे भी ओपन इंटरवल है, तो आप ऐसे लिखोगे -7 से एक्स 0 तक, ठीक है, दोनों पे ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अब ये देखो दूसरा वाला आपका 6 12 है, तो 6 12 को 12 में देखो क्लोज दिया हुआ है, ठीक है, और 6 पे ओपन है, अच्छा दोनों पे क्लोज, माफ कीजिएगा, 6 पे भी क्लोज है और 12 पे भी क्लोज है, ठीक है, दोनों पे क्लोज है, तो कैसे करेंगे, तो इसका हो गया सेट ऑफ एक्स, एक्स इज रियल, ओके, वेयर 6 पे भी क्लोज और 12 पे भी क्लोज। तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक है, 6 से 12 तक है, दोनों पे क्लोज है, तो आपको यहां पे इक्वल टू भी लगाना है, ठीक है। इसका मतलब बताया कि हम लोग 6 को भी ले रहे हैं और 12 को भी ले रहे हैं, तो बाउंड्रीज को भी लिया जा रहा है, ठीक है, तो तभी आपका 6 पे क्लोज होगा और 12 पे क्लोज होगा, क्लियर है। और मान लीजिए कहीं पे ऐसा रहता, ए पे रहता ओपन और बी पे क्लोज रहता, तो कुछ करना नहीं, सब बहुत लॉलीपॉप है, सब याद कर लीजिए, हाँ, इसको ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ एक्स, एक्स इज रियल, वेयर ए पे ओपन, तो ओपन जहां पे होगा वहां पे सिर्फ ऐसे लगाइएगा, और जो क्लोज होगा वहां पे इक्वल टू भी लगा देना है, ठीक है। तो हर तरह की चीज मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखो क्या है, 13 नंबर, एक्स वाई आर टू सेट्स, एक्स के पास में 15 एलिमेंट है, वाई के पास में 23 एलिमेंट है, और यूनियन में 31 एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ठीक है। तो अगेन देखो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, और ऊपर हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगा के कर चुके हैं, तो ये आपके लिए हो गया होमवर्क भाई, इसको करके जरूर बताना कमेंट में कि कितना आंसर आता है, ठीक है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है और क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं बात कर रहा हूँ कि देखो जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जो रिविजन करें इनका छूटा हुआ है उनको करना चाहिए, ठीक है, उनको फायदा होगा, ये कर लीजिएगा। 14 नंबर क्या है, ए में देखो पी क्यू आर एस 4 एलिमेंट है, बी में पी एस टी 3 एलिमेंट है, बोलता है इंटरसेक्शन निकालिए और यूनियन निकालिए। अगेन ये देखो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कि आपको जस्ट कॉमन एलिमेंट लेना है, जैसे ए आपको दिया हुआ है क्या है, पी क्यू आर एस, तो रिविजन पर्पज से है, इसलिए जिनका छूटा हुआ है उनको मैं यहाँ पर याद दिला देता हूँ, ठीक है, पी एस टी ए। तो अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम बस कॉमन पार्ट लेते हैं, याद रखिएगा, हाँ, जो भी कॉमन एलिमेंट है ना उसको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट को अलग अलग कर दो, तो ए और बी में कौन कौन कॉमन है, एक पी है, एक आपका एस है, बस दो ही तो है, तो यहाँ पे पी और एस, चूंकि पी भी देखो दोनों में है और एस भी दोनों में है, तो इसको अलग कर दीजिएगा, तो ये आपका निकल गया इंटरसेक्शन। बोलता है यूनियन, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट करना, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग यूनियन की बात करें, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सिंपली दोनों को ज्वाइंट करना होता है, ठीक है, मिला दीजिए, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ए क्या है, ए आपके पास में है पी क्यू आर एस, और बी क्या है पी एस टी, तो मिला देंगे तो क्या होगा, पी क्यू आर एस टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी एस तो दोनों में है तो उसको तो एक ही बार लिखना है ना, तो मिला करके लिख दीजिए, तो बन जाएगा आपका क्या, सिंपली आपका बन जाएगा पी
QRST, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो काफी सिंपल इस तरह का क्वेश्चन आपको खुद से करते चलना चाहिए। आगे देखो क्या है, फाइंड ऑल दी सबसेट्स, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ऑल दी सबसेट्स कैसे लिखते हैं, तो जैसे यहाँ पे लिखे थे ना जो पावर सेट हम लिखे थे, तो पावर सेट सारा सबसेट ही होता है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको भी लिख लेंगे, वहां पे ABC था, यहाँ पे 2, 4, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टू फाइनाइट सेट हैव एन एलिमेंट एम एंड एन, दो फाइनाइट सेट है उसके पास में, एम एलिमेंट है और एन एलिमेंट है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। कैसे निकालेंगे, कैसे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कुछ नहीं, एक के पास में मान लो मेरा एक सेट ए है, उसके पास में एम एलिमेंट है, एक सेट बी है, उसके पास में मेरा एन एलिमेंट है, ठीक है। तो बोलता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, तो फर्स्ट सेट में यानी ए में टोटल सबसेट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। टोटल सबसेट्स इन ए 2 का पावर m हो जाएगा, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेकेंड सेट क्या हो जाएगा, 2 का पावर n हो जाएगा। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो है 56, यही बोल रहा है ना कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकेंड सेट, तो सेकेंड में जितना है उसके तुलना में फर्स्ट में कितना है, 56 ज्यादा है, यानी दोनों का डिफरेंस 56 है। आपको बोलता है m और n क्या होगा, 56 को इधर तोड़ देते हैं, ठीक है, 2 से तोड़ना स्टार्ट करो, तो 56 है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 2 जा, ठीक है, फिर 24 14, फिर 2 आपका 7, इसको आप 2 से ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3, और साथ में 7 आ रहा है। अब तरीका देखिए, 2 का पावर 3 है, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3 माइनस 1, ठीक है, चूंकि ये 8 माइनस 1 है। अब इससे आपका क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर हो गया 3 3 6, और माइनस 2 का पावर क्या हो गया, 3। तो बिल्कुल देखो इसी फॉर्मेट में आ गया, 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n, यानी m मेरा क्या है 6 है और n मेरा क्या है 3 है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 3, ठीक है जी। इस तरीके से करना है, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे तो काफी जल्दी आप फाइंड आउट कर पाओगे, ओके। चलो आगे देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर क्या है। अच्छा, आगे आ रहा है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन, या 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई नहीं, जैसे देखो यहाँ पे 16 नंबर में आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक बी एक सी दिया हुआ है, आपको बोलता है वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो ये तो बहुत लॉलीपॉप टाइप का है, यूनियन इंटरसेक्शन तो मैंने आपको समझा दिया, तो यूनियन इंटरसेक्शन जस्ट ये चूंकि रिविजन के लिए है तो वेरीफाई कर लेना आप, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है मिला देना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, फिर कॉमन ले लेना, तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप कर लेना खुद से, ठीक है, काफी सिंपल रहेगा। बस वेरीफाई करना है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों तरफ क्या आना चाहिए, सेम एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, तो 17 को देख लेते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। क्या है, बोलता है एक ग्रुप है 50 पीपल का, 35 हिंदी बोल सकते हैं, 25 इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल सकते हैं, एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज। हाउ मेनी पीपल स्पीक ऑन इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकते हैं एंड नॉट हिंदी, ठीक है, मतलब इंग्लिश बोल सकते हैं बट हिंदी नहीं बोल सकते। हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। देखो इसका बहुत सा तरीका होता है, मैंने भी डिस्कस किया है, लेकिन जो आसान तरीका होता है ना वो ये है कि यहाँ पे आप 2 व्यंजन बनाइए, एक इंग्लिश का एक हिंदी का, ये सबसे ईजी होता है, ठीक है, काफी फास्ट आप कर पाएंगे। तो इंग्लिश इसको आप ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, ठीक है। अब एक सर्कल के अंदर जितना आएगा ना, जैसे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के अंदर अंदर कौन कौन आ रहा है, तो इंग्लिश वाले में ई के सर्कल के अंदर ए और बी दोनों आ रहा है, ठीक है। तो ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसा आप देख लीजिए, ए प्लस बी कितना है, तो ए प्लस बी हम लोगों को जो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, ये आपको फाइंड करना है। फिर आप देखो बी प्लस सी, तो बी प्लस सी यानी हिंदी बोलने वाले कितने हैं, ठीक है, थीके? जो हिंदी के अंदर आ रहे हैं, तो हिंदी बोलने वाले हैं 35, तो ये 35 इक्वल हो जाएगा, ओके। अच्छा, फिर आगे देखो क्या बोलता है फिगर में, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो आपको बी देखो दे दिया है, क्योंकि ये कॉमन पार्ट होता है, ठीक है, ये आपको क्या है, ये आपका कॉमन पार्ट है जो दोनों में है। तो जो बी है यानी वो इतना बी ऐसा फिगर है जो इंग्लिश भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, देयरफॉर बी आपको दे दिया है 25। देख रहे हैं कितना इजी हो जाता है, ठीक है, सारा हो गया। तो अब यहां से मैं ए निकाल सकता हूं इजिली, क्योंकि बी आपको दे दिया है, तो यहां से आप सी निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको आप 3 कर दीजिए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि बी हमको 25 मिल गया, तो इक्वेशन 2 से आपको पता चल जाएगा कि सी कितना है,
तो सी कितना हो जाएगा, 35 माइनस बी, यानी 25 को माइनस कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो सी 10 आ गया। अब आपका 1 से आपको ए प्लस ए मिल जाएगा। अच्छा, ए प्लस बी तो मेरे को निकालना है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलता है, हाउ मेनी पीपुल स्पीक इंग्लिश बट एंड नॉट हिंदी। तो जो सिर्फ इंग्लिश बोलता हो हिंदी ना बोलता हो, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये देखो, तो ये जो पोर्शन ये वनली वाला है ना, वनली इंग्लिश, ये जो पोर्शन है ये वनली इंग्लिश का है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, बी को हटा दे रहे हैं, ये पार्ट हट जा रहा है, तो आपको ए भी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। दो चीजें फाइंड करनी है, एक के वनली इंग्लिश कितने बोलते हैं यानी ए, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं यानी ए प्लस बी आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो बी तो मेरे को मिल चुका है, 25 है, ओके। तो बस जस्ट मेरे को ए फाइंड करना है। अब ए कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पे एक और रिलेशन है, वो है टोटल पीपुल का। टोटल पीपुल क्या है, 50 है, ठीक है। तो 50 सभी बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे क्या कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ये जो पूरा है तीनों मिला करके कितना है जी, 50 है, चूंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल दी पीपुल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज, ठीक है। मतलब कोई एक ना एक तो लैंग्वेज बोलता ही बोलता है, तो यानी यहाँ पे जो ए बी सी तीनों मिला करके 50 होगा, ठीक है। तो अब चलो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको, इक्वेशन आप 4 कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 1 से तो नहीं, अभी आपको देखो, आपको चूंकि बी पता है सी पता है, तो ए यहाँ से निकाल लो। तो 4 से निकाल लेंगे क्या, ए, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो बी प्लस सी देखिए 35 है, तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा 15, ठीक है जी। 35 माइनस कर दिए तो ए का वैल्यू 15 आ गया। अब ए का वैल्यू अगर 15 आ गया तो मेरे को ए प्लस बी मिल जाएगा ना, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 25, ए आपका आ गया 15 और प्लस 25 यानी 40, ठीक है जी। तो ये मिल गया, ए भी मिल गया, यानी बहुत बात क्लियर हो गई कि हाउ मेनी पीपुल स्पीक इंग्लिश एंड नॉट हिंदी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ठीक है। सिर्फ सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हो गए, तो ये कितने हो गए, तो ये हो गया आपको ए, और इसका वैल्यू कितना आ गया है जी, 15, ठीक है। फिर हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश ये कितने हुए, तो ये चूंकि ए और बी दोनों है, ठीक है, तो ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना आया है, 40, तो ये आपका आंसर हो गया। ये बना के लिखने वाली बात है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आता है ना इस तरह का, तो आप काफी जल्दी कर पाओगे। वेनन काफी सटीक तरीका होता है, थोड़ा फास्ट बनाता है ये, ठीक है। और बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ता इसमें, आप बस वेनन देख करके आप काम कर लेते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, और भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 नंबर, ठीक है। तो 18 नंबर कैसे बनाएंगे देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, सर्वे है 100% का, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, 30 रीड मैगजीन बी, 42 रीड मैगजीन सी, 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, ठीक है, 10 रीड ए एंड सी, 5 रीड बी एंड सी, एंड 3 रीड ऑल दी मैगजीन। फाइंड हाउ मेनी रीड एटलीस्ट वन ऑफ 3 मैगजीन, ठीक है। हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको वेलन से और इजी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन आपका 2 सेट का था, तो वो आप फॉर्मूला से भी कर लेते, फिर भी मैंने आपको वेलन से दिखाया, काफी सिंपल होता है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ना वेलन से और इजी हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, मैं 3 वेलन ले लेता हूं, ठीक है। 3 सर्कल लेंगे ए बी और सी का, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, 3 सर्कल ले लिया जी। अब सब में आप एलिमेंट पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसमें ए कोर देता हूँ, इसमें बी, इसमें सी, इसमें डी, ठीक है, इसमें ई, इसमें एफ, इसमें जी, सब में आपको जितना भी सर्कल बन रहा है सब में आपको पुटअप कर देना है, ठीक है। अब यहां से मतलब क्या होता है, यहां से ये मतलब हुआ कि ए के सर्कल के अंदर कौन कौन आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ठीक है, ये आ रहा है ए के अंदर। तो इतना मिला करके क्या है, ये वो है जो ए मैगजीन ए पढ़ सकते हैं, तो वो 28 दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर देखो बी के अंदर बी सी जी एफ आ रहा है, तो बी प्लस सी प्लस जी प्लस एफ, ठीक है, ये बी पूरा बी पढ़ने वाले हैं, तो बी पढ़ने वाला कितना है, 30 हो गया ये। इक्वेशन 2, इसमें देखोगे ई एफ जी डी आ रहा है, ठीक है, ई प्लस एफ प्लस जी प्लस डी आ रहा है, और ये सी के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो सी पढ़ने वाले हैं, ये कितने हैं, ये है 42, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 2 और 3 हो गया, ठीक है जी। अब देखो 8 जो है, 8 रीड मैगजीन ए एंड बी, तो ए और बी पढ़ने वाले कौन है, तो ए और बी में जो कॉमन है बी प्लस एफ, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बी प्लस एफ मेरे को क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। सारा फिगर आपको मिल जाएगा काफी इजिली, ठीक है। चलो थोड़ा और देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा
फिर आपका है ए और सी पढ़ने वाले, तो ए और सी का कॉमन पार्ट कौन सा है? देखो ये पार्ट जो है ए और सी दोनों में है, तो ई प्लस एफ, ठीक है, ई प्लस एफ कितना है यहाँ पे, तो वो है आपका 10। चलिए फिर बी और सी दोनों पढ़ने वाले, तो बी और सी दोनों में कॉमन क्या है, तो एफ प्लस जी है, ठीक है, तो एफ प्लस जी क्या हो गया, ये आपका हो गया 5, ठीक है। चलो थ्री जो है वो सारा ही कुछ पढ़ते हैं, यानी आपको ये जो बिल्कुल जो बीच में है जो सब में आता है यानी एफ, तो आपको डायरेक्टली एफ गिवन है, वो क्या है, वो है आपको 3। इस तरीके से काम होगा, ठीक है, तो ये 3 हो गए। अच्छा अब जो हमसे पूछ रहा है, अच्छा टोटल जो है ना, अगर मैं सबको जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये जो पूरा है अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये पूरा मिला के कितना है, टोटल 100% पे सर्वे किया गया है, 100% पे, तो ये आपको 100 है, ठीक है, तो इसका भी यूज पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको भी ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन कर देता हूँ मैं, कुछ भी ए कर देता हूँ, ठीक है ना, बाकी ये 1 2 3 है। अच्छा अब देखिए, अब आपका सारा काम हो जाएगा, अब आपको चाहिए क्या क्या, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रीड एटलीस्ट वन ऑफ 3 मैगजीन, बोलता है कि कितने ऐसे हैं जो कम से कम एक मैगजीन तो पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं था 100 के बारे में, ठीक है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो सर्वे किया जाता है उसमें कोई ना कोई एक पढ़ता ही है, यहाँ पे वो अलग से पूछ रहा है आपसे कि कितना कम से कम एक मैगजीन पढ़ेगा, तो ये जितने भी हैं इसमें से कम एक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बी और एफ दोनों पढ़ने वाले हैं, एफ तीनों पढ़ने वाला है, लेकिन कम से कम एक पढ़ने वाले में सबको ऐड करना पड़ेगा, तो ये हमसे रिक्वायर्ड कर दिया, डिमांड कर दिया, चलो ठीक है। अच्छा जनरली अगर ये ऐसा लिखा रहता कि सर्वे में कोई ना कोई एक पढ़ता है तो ये हमको गिवन होता और हम 100 लेते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। फिर वो बोलता है हाउ मेनी रीड मैगजीन सी वनली, तो सी पढ़ने वाला वनली, तो वनली देखोगे तो सी के अंदर जो वनली है वो डी है, क्योंकि बाकी तो कुछ कुछ और में भी इन्वॉल्व है, तो हमको आपसे हमको डी पूछा है, ठीक है, डी पूछा है और ये पूरा सम पूछा है, अब कुछ नहीं है, बस ये लिखने में जो भी टाइम लगा आपको अब बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एफ हमको 3 मिल गया तो हम निकालते जाइए, यहां से आपको जी मिल जाएगा, ठीक है, एफ 3 है तो जी कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए यहां से फिर आपका एफ मिल गया है तो ई कितना होगा, एफ 3 है तो ई आपका यहां से 7 हो गया, एफ मेरा 3 है तो बी कितना हो जाएगा, तो बी मेरा 5, तो नीचे शुरू करना है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है, तो जी ई बी भी मिल गया। अब देखिए जी ई बी मिल गया है, अब काम आपका और इजी हो जाएगा, जैसे यहां से देख लो ए बी ई एफ, ठीक है, तो मेरे को बी ई और एफ ये तीनों मिला हुआ है, बी है 5, 5, 7, 12, 12 और 3, 15, तो इसका सम 15 है, तो यहां से आपको ए मिल जाएगा, ए कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अच्छा अब यहां से देखो सी जी एफ, तो सी सी जी एफ राइट, तो हम लोगों को सी यहां पे पता नहीं है, चलो ठीक है, यहां पे बी बी पता है, तो बी प्लस जी प्लस एफ, ठीक है, तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, तो ये 10 हो गया, तो यहां से आपको सी मिल जाएगा, सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा 20, ठीक है। फिर यहां देखो यहां पे हमको क्या क्या पता है, एफ जी और ई ये तीनों पता है, ठीक है, ई एफ जी, तो 7 ई एफ जी 7 2 9, 9 3 12, तो ये मिलाकर 12 हो गया, तो डी क्या आ गया, तो डी हमारा आ गया यहां से 30, ठीक है, तो डी निकल गया, और आपको डी पूछ रहा था ना, डी पूछा था, डी निकल गया, तो सिंस आपका डी क्या आया है, 30 आया है, तो यानी नंबर ऑफ पीपल रीड मैगजीन सी वनली, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल रीड मैगजीन सी वनली, ये कितना आ गया, ये आपके आ गया 30, तो आपको ये आंसर मिल गया। अब बोल रहा था कि हाउ मेनी, तो ये आपका सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है, अब हाउ मेनी एटलीस्ट वन मैगजीन, तो उसके लिए हमको सबको ऐड कर देना है, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो देखिए ए का वैल्यू सबको ऐड करते जाओ, 30 हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया मेरा 20, ए 13, बी आपका 5 है ना, यस, बी यहाँ पे मेरा 5 है, तो बी 5 प्लस 20 प्लस ई, ई आपका 7 प्लस एफ, एफ हमारा 3 और प्लस जी, जी मेरा 2, ठीक है, सारा फिगर ले लिए हैं, 13 ले लिया, 20 ले लिया, 30, अच्छा 30 लगता है छूट गया, अब 30 भी ले लीजिए प्लस 30, ठीक है, ए बी सी डी राइट ई एफ जी सबको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाता है, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका 18, 68, 68 प्लस 7, 75
आपका 78 और 280, देखिए यहाँ पे 80 ही आ रहा है। ठीक, एटलीस्ट जो है थ्री मैगजीन पढ़ने वाले कितने हैं, 80 हैं। 100 में सर्वे किया गया था तो सारे ही पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर बड़ा क्वेश्चन भी है तो इसके हेल्प से बहुत जल्दी निकल जाता है। कुछ करना ही नहीं है, सर्कल डाल करके सब एलिमेंट डालने देना है। ठीक है, एलिमेंट वाइज आपको ये देख लेना है कि कौन कौन किसके अंदर आ रहा है और क्या गिवेन है, बस सोल्व कर देना है। बहुत सिंपल मैथ है, तो इस तरह से आपको बहुत आसानी से इस तरह का क्वेश्चन कभी भी बनेगा, आप करके देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला से बनाएंगे थोड़ा लेंदी होता है, तो एग्जाम में हमको फॉर्मूला से नहीं करना, इससे करना है, ये सही तरीका है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक से पढ़ते रहिए, वन बाय वन मैं सारे ही कंटेंट करा रहा हूँ, तो आप उसके ऊपर ऊपर रिविजन करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। और तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन में बहुत सारे कोर्सेज लगे हुए हैं, PDF भी अवेलेबल है, मैं आपको वर्कशीट देता हूँ, आपके डाउट्स लेता हूँ, आपके टच में रहता हूँ, तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होता है, वहाँ से बहुत फायदा होता है। ठीक है, और काफ़ी बच्चों ने क्लियर किया है एग्जाम, डेफिनेटली आपका भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।